करोड़ की जनता को और विशेषकर 60 करोड़ गरीबों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, 10 लाख से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और प्रधानमंत्री आवास के तहत 42 लाख गरीबों को घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर 1,36,00,000 गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने किया था और ये बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश के अंदर इसको बेमिसाल प्रदेश बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, आपके आशीर्वाद के साथ ये आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा यहां से चालू होगी। ऐसी 5,005 यात्राएं निकलेगी, 10,600 किलोमीटर घूमेगी, हर विधानसभा में जाएगी और 210 विधानसभाओं में घूमकर भोपाल में मोदी जी की अध्यक्षता में समापन होगा। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी, दिग्विजय सिंह जी, आप और कमलनाथ, आप और करप्शन नाथ, दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद लेने के लिए रोड पर निकल रही है। मैंने 3 दिन की यात्रा का हेलीकॉप्टर में शिवराज जी को रिपोर्ट पूछा, हजारों हजारों लोग यात्रा को स्वागत में उमड़ रहे, विशेषकर मेरे गरीब परिवार के लोग, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हो, मोदी जी को आशीर्वाद रहे। भाजपा की सरकारें गांव गरीब की सरकारें, महिला उत्थान की सरकारें, बेटियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अभी तो शिवराज जी ने लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन के दिन खुश कर दिया और मन से आशीर्वाद दे रही है। युवाओं का विकास करने वाली ये सरकारें हैं और विश्व में भारत की छवि सुधारने वाली सरकार है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे या नहीं होते थे, जोर से बोलो जरा, होते थे या नहीं होते थे? ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर कांग्रेस की सरकार उफ नहीं करती। पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मगर आतंकवादी भूल गए कि सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। माताओं, भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र दुनिया के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित किया, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। 11 नंबर का अर्थतंत्र छोड़कर गए थे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर लाने का काम किया और भारत में चहू और विकास का काम किया। G20 है कुछ दिनों के बाद,
आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। समग्र दुनिया भारत के विकास, संस्कृति और भाषाओं को जान रहा है और बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। और इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा नागरिक सम्मान अगर किसी को मिले है तो जोर से ताली बजाना, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को मिले है नरेंद्र मोदी। मगर भाई और बहनों, ये सम्मान जो मोदी जी को मिले हैं वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो मिले है मध्य प्रदेश की 6 करोड़ की जनता और देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान है। सम्मान भाई और बहनों, आप लोगों ने कमलनाथ की सरकार यहां देखी है, 51 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाओं को एक करप्शन नाथ ने बंद कर दिया था। सीएमओ मनी कलेक्शन का ऑफिस बन गया था। कांग्रेस की वर्किंग कमिटी करप्शन वर्किंग कमिटी बन गई थी और 800 से ज्यादा ट्रांसफर हो गए थे। इस्तीफे के 15 मिनट पहले 63,000 करोड़ का मोबाइल घोटाला, 350 करोड़ का मोजरबेर घोटाला, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 600 करोड़ का इपको घोटाला, 25,000 करोड़ कर्ज माफी का वादा न निभाना और 1178 करोड़ का किसानों का गेहूं का बोनस खा जाना। मित्रों, एक कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े और मोदी जी ने, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में आपको ये तय करना है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस चाहिए या आदिवासी दलित और पिछड़ों का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आपको तय करना है गरीबों के लिए योजना लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या करप्शन करने वाली करप्शन नाथ की सरकार चाहिए। आपको तय करना है कि बंटाधार और करप्शन नाथ के नेतृत्व में सरकार बनानी है या मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है। भाई और बहनों, माताओं, आज मैं आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारे कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, घर घर, गांव गांव, गली गली आएंगे, आपसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे। आपने 14 में मोदी जी को जिताया, 19 में मोदी जी को जिताया, 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मध्य प्रदेश की सारी सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है या नहीं डालनी है? तो उसके पहले 23 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में बनानी पड़ेगी। मुझे बताओ मंडला वालों, पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आप करेंगे? भाई जोर से हाथ उठाकर बोलो, करेंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 150 से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।